नमस्ते, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। तो चलिए जानते हैं कि दिस मंथ क्या रहेगा, आपका मई मंथ कैसा रहेगा, करियर एंड लव रीडिंग। आप चलिए जानते हैं कि दिस मंथ में क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ की भी फाइनल रीडिंग्स हो चुकी थी एंड आपका इतना प्यार देने के लिए, आप मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि मई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है धनु राशि, सैटरडेज राशि। सैटरडेज राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड दर्शाते हैं कि जैसे कि आपके कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ही एक अच्छी सी शुरुआत होती हुई दिखा दे रही, कहीं ना कहीं एक आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा सा पैशन, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, काफी ज्यादा आप स्ट्रांग मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेट बात करना, बहुत सारी चीजें आप बोल रहे हैं कि खुद होके वर्क करना, खुद होके काम करना, हर चीज को बारीकी से समझना, हर चीजों को ध्यान में रख के काम करना, तो ये चीजें आपके इसमें चलती हुई दिखाई दे रही दिस मंथ में। कहीं ना कहीं अगर बात की जाएंगी तो दिस मंथ में थोड़ी हेल्थ इशू आती हुई दिखाई दे रही, काम की वजह से, काम के स्ट्रेस की वजह से आपकी थोड़ी सी हेल्थ इशू आती हुई दिखाई दे रही। तो इससे ज्यादा आपने घबराना नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोलते ना ये तो हेल्थ जो इशू आएंगे तो थोड़े दिन की आएगी, 3-4 दिन की भी हो सकती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आपके काम के लिए अच्छे से प्रोग्रेस दिखाई दे रही, अच्छे से बोलते ना एक सक्सेस मोमेंट, एक गुड लक मोमेंट दिस मंथ में है, अच्छी सी मोमेंट है। थोड़े से हेल्थ इश्यू होने की वजह से निराश मत होइएगा, बट बाकी सारी एनर्जी आपकी काफी ज्यादा अच्छी, एक स्ट्रांग एनर्जी है। आपकी हेल्थ खराब होगी तो भी आप स्ट्रांग तरीके से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से टाइम देंगे एंड अच्छे काम को लेके आप बोलते ना कि सब लोगों को नजर में अच्छे से छाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे की कमी दिस मंथ में मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं अगर आपके प्रमोशन होने की बात है तो प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो होते ना कि न्यू जॉब के बारे में अगर आप देख रहे हैं काफी टाइम से, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी न्यू जॉब लग जाए तो दिस मंथ में मुझे नहीं न्यू जॉब की कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, बट जिस काम में वहां पे आपके काम का लोड बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, पैसे आपको वहां से ना कि वहां से आपकी पैसे की बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। काफी अच्छी कंडीशन वहां पे लगातार दिखाई दे रही, बिजनेस में भी काफी अच्छे तरीके से स्ट्रांग एंड काफी सोशल मीडिया पे भी दिस मंथ में काफी ज्यादा छाए हुए रहेंगे, काफी अच्छी इंडिकेशन है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप का कार्ड से लव कम्युनिकेशन के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंडमैन, तो कहीं ना कहीं आपकी लव कम्युनिकेशन जो है आप अपने पार्टनर को लेके बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं ना कहीं आपकी बात हो, कहीं ना कहीं अच्छे से आपकी लाइफ की अच्छी जर्नी चलती रहे, पर कहीं ना कहीं उधर के जितना अच्छा सोचते हैं उतनी चीजें उल्टी हो जाती है। तो ये चीजें आपकी दिस मंथ में दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ जैसे चाहिए वैसे टाइम बिता नहीं पा सकते, या फिर जहाँ पे आपका सोशल नेटवर्क पे आपके बोलते ना कि जहाँ पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दूर हो, यहाँ पे पास वाली कंडीशन दिखाई दे, आपका पार्टनर अगर दूर हो तो आपकी उनके साथ थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की मूवमेंट दिखाई दे रही, काफी ज्यादा बात करने की मूवमेंट सही नजर आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपका रिलेशन थोड़ा सा बोलते ना कि एक हार्ड नेचर की तरह हो सकता है, आप भी उनको समझाते समझाते थक जाएंगे। सोशल मीडिया पे अगर आपका लव कम्युनिकेशन है तो वहां पे भी आपकी बात कट सकती है, ज्यादा टाइम तक बात नहीं दिखाई दे रही है, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आपका थोड़ा रिलेशन दिस मंथ में मुझे नजर नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मैरिज की रिलेशनशिप की बात की जाए तो वहां पे ठीक बात है, कहीं ना कहीं अच्छी इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं दोनों भी एक दूसरे के सहमत होकर बात करेंगे, काफी एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं फैमिली ट्रिप करते हुए दिखाई दे रहे। हेल्थ इश्यू है पर हेल्थ इश्यू थोड़ी रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी एंड बहुत अच्छी से बोलते ना कि आपकी लाइफ दिस मंथ में मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रही, जो आप अपने काम को लेके एंड अपने लाइफ को लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए एंड मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस एंड ऐसे साप्ताहिक राशि पर, मंथली राशि पर लेके आती रहूंगी दिस वीक में या फिर दिस मंथ में। मैं होप करूंगी, कोशिश करूंगी कि दिस मंथ में मेरी वीडियो आए एंड वीकली भी होरोस्कोप आए एंड हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। आप इंस्टाग्राम पेज पे एंड फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं वेलकम डिवाइन एंड टैरोट क्वीन खुशी पर, तो मैं इन पेज पे आप मेरे न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, रील्स आती रहती है, न्यू आपको अपडेट्स मेरी मिलती रहेंगी, क्लासेस रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। क्लासेस स्टार्ट है मुंबई में कांदिवली वेस्ट में, तो आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेरे बहुत सारे डिटेल्स मेरे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख के रखी है, तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।